अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं फ्यूचर टीवी। मैं हूं मुराद वहीद। सबसे पहले नज़र डालेंगे न्यूज़ हेडलाइंस पर। छः सितंबर तजदीद अहद वफा का दिन। 1965 में पाक फौज के बहादुर सपूतों ने बुजदिल दुश्मन के नापाक अजाइम को खाक में मिलाया। रात की तारीकी में भारत ने वाघा बॉर्डर पर पहला गोला फायर किया, जिसके बाद जंग छिड़ गई। पाक फौज के जवानों ने डटकर मुकाबला किया और दुश्मन के हमले को नाकाम बनाया। मेजर अजीज भट्टी भी अपने जानिसारों के साथ आबी नहर लाहौर के पास डटे रहे। भारत के 6 हमले रोके। पाकिस्तानी शाहीनों ने पठानकोट में भारत के फिजाई अड्डे पर हमला किया। भारतीय फिजाइय के 15 तैयारे तबाह किए। मुल्क भर में यौम दिफाए पाकिस्तान कौमी जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। विफाकी दारुल हुकूमत में 31 जबकि सूबाई दारुल हुकूमतों में 21-21 तोपों की सलामी के साथ दिन का आगाज। मसाजिद में मुल्क की सलामती और कश्मीरियों की आज़ादी के लिए खसूसी दुआएं। पाकिस्तान का यौम दिफा भी मजलूम कश्मीरियों के नाम। शहदाए कश्मीर को भी खिराज तहसीन पेश किया जा रहा है। वजीर आजम इमरान खान मुजफ्फराबाद में कश्मीरी शहदा की तकरीब से खिताब करेंगे। GHQ में यौम दिफा की मरकजी तकरीब। बगल बजाकर शहदा को सलाम पेश किया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने यादगार शहदा पर हाजिरी दी और फूल चढ़ाए। तकरीब से खिताब में कहा कि कयाम पाकिस्तान से बकाए पाकिस्तान का सफर शहदा की अजीम कुर्बानियों से सजा हुआ है। हमारे शहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। अब अकवाम आलम की जिम्मेदारी है कि इंतहा पसंदी को अमली तौर पर रद्द करे। कराची में मजार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक फिजाइय के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड्स के फराइज संभाले। एयर वाइस मार्शल हामिद रशीद नधावा का तकरीब में मेहमान खसूसी के तौर पर शिरकत। मजार इकबाल पर भी पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जानिब से खसूसी गुलदस्ता रखा गया। मेहमान खसूसी गैरिजन कमांडर मेजर जनरल मोहम्मद आमिर ने मजार इकबाल पर फूल चढ़ाए और फातह खानी की। मेहमानों की किताब में अपने तासुरात कलम बंद किए। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की मुल्तान में कैप्टन जुनेद इरफान अब्बासी शहीद के अहले खाना से मुलाकात। गुलदस्ता पेश किया। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, आज पूरी कौम को अपने शहीदों पर फख्र है। हर फर्द की जिम्मेदारी है कि शहदा के घर जाएं। हमारे फौजियों की कुर्बानियों से आज हमारी मगरबी सरहदें महफूज हैं। मकबूजा कश्मीर पर हमला, आजाद कश्मीर और पाकिस्तान पर हमला है। पाकिस्तान ने मसला कश्मीर को सलामती काउंसिल में पहुंचाया। सदर आजाद कश्मीर सरदार मसूद खान का मुजफ्फराबाद में तकरीब से खिताब। कहा, कश्मीरियों के हक खुद इरादियत के लिए पाकिस्तान ने 6 जंगें लड़ी। भारत ने 1965 में पाकिस्तान को ललकारने की संगीन गलती की। और नारोवाल में शक्करगढ़ रोड पर बजरी का ट्रक स्कूल के बच्चों के रिक्शे पर उलट गया। हादसे में ड्राइवर और बच्चों समेत 8 अफराद जान बहक। बच्चों में 4 लड़कियां और 3 लड़के शामिल। जख्मियों को तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हेडलाइंस आपने जानी। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर की तफसील जाननी हो तो आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट futurenews.tv। देखते रहिए फ्यूचर टीवी।